आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। केदारनाथ तो कहीं भारतवर्ष के अष्ट विनायक श्री गणेश दर्शन, गणेश उत्सव खेतिया में भारी धूम, स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ राष्ट्र प्रेम धार्मिक आस्था के पर्व गणेश उत्सव को लेकर खेतिया में अत्यधिक उत्साह है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु स्थायी रूप से बनाए गए झांकियों को निहार रहे हैं, जहां दिन में विभिन्न गणेश पंडालों में भंडारों का आयोजन हो रहा है, जहां 5 से 8 हजार लोग भंडारे में शामिल होकर प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। वहीं पूरे शहर में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है केदारनाथ धाम। शिव गणेश मंडल बायगौर रोड पर बने पंडाल में केदारनाथ धाम की प्रतिकृति को उतारने का सफल प्रयास किया, जहां केदारनाथ मंदिर में भगवान केदारेश्वर के दर्शन हो रहे हैं। श्रद्धा भक्ति का अद्भुत संगम देश भर के गणेश जी के दर्शन महालसपति गणेश मंडल के अष्ट विनायक की झांकी बनाकर यहां नागरिकों को कराए हैं। राणा प्रताप चौक में देश प्रेम और राष्ट्रवाद को प्रेरित करते हुए भगवान श्री गणेश अखंड भारत की कल्पना के साथ पृथ्वी पर विराजित किए गए, राष्ट्र ध्वज चंद्रमा पर स्थापित किया। खेतिया शहर में गणेश मूर्तियां स्थापना के साथ ही आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। शिव पिपलेश्वर गणेश मंडल द्वारा स्थापित गणेश जी की प्रतिमा काजू और बादाम से बनाई गई, जो न सिर्फ देखने में आकर्षक दिखाई दे रही है, वहीं श्रद्धालुओं पर अपना प्रभाव भी छोड़ रही है। खेतिया शहर में स्थापित गणेश प्रतिमाओं में कहीं गणेश जी भगवान शंकर की मुद्रा में तांडव नृत्य करते दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं राजा के ठाट के साथ शहर में बिराजे हैं। देर शाम होते ही हजारों की संख्या में खेतिया ही नहीं, खेतिया के आसपास के नागरिक यहां बनी हुई स्थायी झांकियों को देखने और श्रद्धा के साथ अपना शीश नवाने एकत्रित हो रहे हैं। सभी गणेश मंडलों द्वारा व्यवस्था स्वनियंत्रित और संचालित है। अति उत्साह से भगवान गणेश के आगमन के साथ अब गणेश विसर्जन की तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो गई। खेतिया से राजेश नाहर की रिपोर्ट। जय केदारनाथ। शिव गणेश मित्र मंडल की ओर से आपका हार्दिक शुभकामनाएं। हमने ये झांकी कपड़े में और जो हमारे डांडी प्लेट आती है उससे तैयार करी है, और हमारे साथियों ने रात दिन मेहनत करी और हमने मेहनत करके इसको सफल करा। इसके बावजूद जो भक्तों को आनंद आ रहा है उससे हमको डबल खुशी होती है, और बाबा केदारनाथ के दर्शन लेने के लिए कई लोग चाहते थे हम भाई दर्शन के लिए जाए, पर वो जा नहीं पाते, इसलिए हमने ये सोच रखी कि हम बाबा को यही विराजमान